गाइस एक समय पर IEX शेयर रिटेलर का फेवरेट हुआ करता था और ज्यादातर लोग बोलते थे कि ये बिजनेस में मोनोपोली रखता है और उस वजह से किसी भी प्राइस पर उसको परचेस किया। देन काफी सारे लोग हैं जो अलग अलग प्राइस पर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, या तो उन्होंने लॉस बुक कर लिया है या फिर किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं अरे भाई ये चलने वाला नहीं है, इसका काम खत्म हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज रीजन क्या है, आज ये स्टॉक लगभग 300 रुपीज से टूटकर आज 160 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है या फिर जा रहा है तो प्रॉपर रीजन नहीं है आप लोगों के पास में कि आखिर इसको क्यों खरीदा जाए, क्या इस प्राइस पर भी खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए, क्या वैल्यूएशन को मीट कर रहा है। तो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले चीजों को समझिएगा, जब भी कोई स्टॉक यदि इस तरीके से भाग रहा है एक 90 डिग्री में तो समझ जाओ कि भैया वहां पर डरने की तो बात है, वहां पर कहीं ना कहीं तो आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना पड़े। तो यहां पर भी वही हुआ, 2020 में जो शेयर 50 रुपीस का था वो 2021 में ही देखते देखते 300 रुपीस का हो गया। क्या इतना फास्ट ऐसा क्या हो गया, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन एकदम से इतना बढ़ गया कि इस स्टॉक को इतना प्रॉफिट होने लगा? तो भाई यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, राइट? तो ये चीज समझ में उस टाइम आना चाहिए, लेकिन उस टाइम आपको क्या समझ में आता है कि भैया ये स्टॉक की बहुत चर्चाएं न्यूज चैनल हर जगह हो रही है, अभी स्टॉक को होल्ड करो। कई लोगों ने 250 पर 300 पर परचेस किया, देन उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक यहां से नीचे आता है और अगेन अपने 100 रुपीस यानी कि 116 रुपीस का लो लगाता है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस लेवल पर मैं इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्या रीजन है। पहला रीजन आप सभी को पता है कि ये अपने आप में अपने बिजनेस में मोनोपोली रखता है, जैसे कि हमारे काफी सारे अदर शेयर हैं, इंडियन रेलवे अपने आप में मोनोपोली रखता है। अभी यदि हम लोग करंट एग्जांपल लें CDSL का, तो CDSL अपने हाई से टूटकर 1100-1200 तक काफी दिन तक ट्रेड करता रहा, अभी उसके बारे में जब नहीं सोचा, लेकिन जब वो हाई लगा दिया अभी हर जगह चर्चा हो रही है। इंडियन रेलवे की बात करें, जब भी वो 600-700 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम ध्यान नहीं दिया, जब हम लोग वहां प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इंडियन रेलवे में प्रॉफिट बुकिंग किया है मैंने किसी लेवल पर, अभी वहां पर आपको चर्चा होगी। तो ऐसा नहीं है कि वहां से और ऊपर नहीं जाएगा, या कोई स्टॉक बहुत अच्छा चल चुका है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, वहां से ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसे ही चलता है, एक स्टेप ऊपर फिर डाउन। तो वहां पे जब आप लोग टॉप पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो आपका वहां पे CAGR कम हो जाता है। यदि उतनी समझ आप रखते हो किसी टेक्निकल के बेस पर, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर परचेस करते हो किसी स्टॉक को और एक पर्टिकुलर गेन मिलने के बाद में आप उसको सेल करते हो एंड अगेन उसी प्रकार किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, फिर गेन मिलने पर आप बुक करते हो, तो वहां पर चांसेस इज वेरी मच हाई, यदि आप लोग सही प्राइस पर पकड़ रहे हो तो आपको वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज IEX में नजर आ रही है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि IEX शेयर में मेरी पर्टिकुलर होल्डिंग है जो कि 125 के एवरेज पर है, लेकिन अभी इस लेवल पर भी मैं यहां पे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा हूं, उसका क्या रीजन है, मैं क्यों कर रहा हूं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले समझिएगा गाइस, यहां पे टेक्निकल चार्ट के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, इससे पहले कुछ अदर चार्ट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि इसी प्रकार के जो बिजनेस मोनोपोली रखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर, यदि हम लोग देखें CDSL का एग्जांपल लेते हैं, CDSL को यहां पर समझिएगा। CDSL की यदि बात करें, यहां पर गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यदि आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करिएगा। मैंने ये क्या लगाया है, ये आपको सिंपल प्राइस का चार्ट नजर आ रहा है, यहां पर दो EMA हैं, एक 50 DMA और 200 DMA। तो यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखोगे तो सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। जब भी गाइस आप इस बात को नोटिस करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा इस वीडियो के बाद में, जब हमारा 50 DMA 200 DMA को काटकर ऊपर जाता है तो वहां से हमारा स्टॉक काफी तेजी से मूव करने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, यदि आप लोग देखोगे जून जुलाई के आसपास, यहां पर यदि CDSL की बात करें, जब CDSL लगभग 1100-1200 रुपए के आसपास था, यहां पर 50 DMA 200 DMA को काटता है, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए यहां पर आप आज देख सकते हो कि CDSL का प्राइस कहां पर चला गया। सेम मोनोपोली इस बिजनेस में रखता है। इंडियन रेलवे की बात कर
कर लेते हैं। यदि हम लोग इंडियन रेलवे की बात करें तो यहां पर सेम जून जुलाई अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर में यहां पर 200 डीएमए को काटता है 50 डीएमए, देन उसके बाद में प्राइस का मोमेंटम देखिए किस प्रकार यहां से काफी अच्छे गेन पर ये जो है आप लोगों को इंडियन रेलवे भी मिल जाएगा। क्या आईएक्स की यदि बात करें उसके बाद में फंडामेंटल भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, थोड़े से बने रहो, कुछ चीजों को समझिएगा। देखो होता क्या है, यहां पर गया 50 डीएमए, 200 डीएमए को क्रॉस नहीं किया, अगेन आया, लेकिन ये सिचुएशन यहां पे नजर आ रही होगी कि 50 डीएमए ने 200 डीएमए को क्रॉस किया है एंड प्राइस जो है 50 डीएमए के ऊपर जो है काफी अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है। एक राउंडिंग फॉर्मेशन हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रही है और यदि हम लोग चार्ट के ऊपर चलें तो कुछ पैटर्न भी नजर आएंगे। सबसे पहले इसका रेफरेंस आप लोग लेको, इसको बैक टेस्ट करिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। अब यहां पर यदि हम लोग चार्ट के ऊपर आते हैं तो इसको थोड़ा समझिएगा, यहां पर मैं डेली टाइम फ्रेम लगा लेता हूं जिससे कि बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओ। डेली टाइम फ्रेम में जब हम लोग जाते हैं तो जिस प्राइस पर अभी यहां पे हम लोगों को नजर आ रहा है उसको यहां पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। यदि हम लोग गाइस यहां पे देखते हैं तो गाइस यदि हम लोग चार्ट को देखते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्लियरली यदि आप लोग इसको फोकस करते हो तो यहां पर आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये हमारा पूरा का पूरा, यदि आप लोग यहां पर देखोगे ये हमारा टोटल दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये कहीं ना कहीं हमारा एक कप जो है प्रॉपर बनते हुए नजर आ रहा है। अब यहां पर यदि ये रिटर्न यहां से जाता है तो पूरी तैयारी हमको यहां पर नजर आ रही है कि यहां पर अब जब रिटर्न जाएगा तो यहां पर हम लोगों को एक हैंडल बनने की पूरी पूरी तैयारी यहां पे नजर आ रही है। तो यहां पे ये हमारा एक हैंडल बन जाता है तो ये कप विथ हैंडल पैटर्न यहां पे प्रॉपर फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पे यदि हम लोग इस कप विथ हैंडल पैटर्न के आधार पर भी यदि हम लोग देखने लगे कि हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली क्या निकल के आ रहा है, क्या कितना का टेक्निकल टारगेट निकल के आ रहा है, उसके बाद में मैं यहां पर थोड़ा टेक्निकल और यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा जिसके बिहाफ पर आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यदि हम लोग इस कप की डेप्थ को यहां पर प्लॉट करते हैं तो इसका जो हमारा टेक्निकल टारगेट लगभग निकल के आता है वो यहां पर 33% का टेक्निकल टारगेट है और यदि हम लोग टेक्निकल टारगेट की बात करने लगे तो ये लगभग इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 230 के आसपास आती है। यदि हम लोग इसको करेंट प्राइस से गाइस देखने लगे तो करेंट प्राइस से कितना गेन हम लोगों को यहां पे मिल सकता है, अभी करंट प्राइस से यदि आप लोग देखोगे तो यहां पे लगभग 44% का गेन हमको नजर आ रहा है। दूसरा चीज यहां पे ये चीज यहां पे आपको क्लियर नजर आ रही होगी। दूसरी चीज यदि गाइस आप लोग देखोगे यहां से हम लोगों को एक राउंडिंग फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। यदि शेयर प्राइस को आप यहां से देखते हो तो आपको क्लियरली एक राउंडिंग फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा होगा, जो आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से यहां से एक राउंडिंग फॉर्मेशन हम लोगों को बनते हुए नजर आ रहा है। यदि आप लोग यहां पर देखते हो तो कुछ इस तरीके से यहां पे राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि ये राउंडिंग फॉर्मेशन होके ये शेयर जो है अगेन अपने ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। ये नीचे आया, इसने बॉटम लगाया, बॉटम से ऊपर गया। यहां पर इसका टारगेट की भी यदि हम लोग बात करें तो 250 रुपीज के आसपास इसका टारगेट बैठता है और यहां पर ये काफी क्विकली जो है चांसेस है कि अपने टारगेट को अचीव कर दे। तो यहां पर टेक्निकल की मदद से आप लोग देख सकते हो। अब थोड़ा सा फंडामेंटल भी यदि हम लोग देखें तो आईएक्स के यदि हम लोग यहां पर आते हैं थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं कि रिजल्ट वगैरह भी ये कैसा क्या पोस्ट कर रहा है। यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे तो यहां पर आप लोग देख पाओगे सितंबर 2020 में 71 करोड़ की सेल कर रहा था, वहीं पर आज 109 की सेल हाईएस्ट एवर नजर आ रही है। यहां पर देखोगे 93 करोड़ इसने प्रॉफिट पोस्ट किया था यहां पे मार्च 2023 में, 92 सितंबर में, यानी कि लगभग हाईएस्ट एवर है। यदि हम लोग यहां पर प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो यहां पे सेल्स आप लोगों को हाईएस्ट एवर यहां पर मिल रही है, मार्च को छोड़ दें यदि यहां पे। नेक्स्ट यहां पे यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें जो भी कहीं ना कहीं मार्च 2012 में 34 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाती थी, वो आज 311 हाईएस्ट एवर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जब कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी यार जनरेट कर रही है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, अपने बिजनेस में मोनोपोली है आपको पता है, यदि एक अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, साथ साथ में वहां पर टेक्निकल चार्ट भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ मैंने यहां पर बताया ये आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहां पर क्लियर हमारा जो 50 डीएमए है वह 200 डीएमए को काट के ऊपर है, उसके ऊपर प्राइस है, तो काफी स्ट्रांग चांस यहां से लग रहा है कि काफी
क्विकली मोमेंटम आ सकता है। जब भी ऐसा होता है काफी क्विकली मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं। आपके सामने एग्जांपल है, काफी सारे एग्जांपल आप लोग देखोगे आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली मोनोपोली वाले बिजनेस हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है यदि आप लोग इसको देखोगे तो। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये सारी स्टडी मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए की हुई है। यहाँ पर आप मेरा इन्वेस्टमेंट प्रूफ देख सकते हो। आज भी मैंने कुछ शेयर को यहाँ पे परचेस किया हुआ है, इससे पहले भी मैं यहां पर इन्वेस्टेड हूं। तो जो मैं अपने लिए स्टडी करता हूं केवल वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। यदि आप लोग उससे कोरिलेट कर पाते हो तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। बाकी ये सारी की सारी वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट करी है उसके लिए जो मैं स्टडी करता हूं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी आप लोगों को कुछ भी लगता है नीचे कॉमेंट कर सकते हो, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए एक थम्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।